Hello guys and welcome back to my channel Brink Vlogs. I hope you all are doing well and healthy. रात के करीब 1 बज रहे हैं और टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम जा रहे हैं द्वारका। मेरे साथ है मेरी हमसफर, मेरी लाइफ, माय वाइफ रिंकू। कल हमारी शादी को 1 साल पूरे हो रहे हैं और उसी दिन हम भगवान श्री कृष्णा की नगरी द्वारका में होंगे। इससे बड़ी खुशी की बात क्या ही हो सकती है हमारे लिए। अहमदाबाद से द्वारका की दूरी 439 किलोमीटर है, जो कि हमें लगेंगे 8 आवर्स 51 मिनट्स वाया NH47 एंड NH947। अभी हम हैं जामनगर। जामनगर इज नोन एज द वर्ल्ड ऑयल सिटी, क्योंकि दुनिया की लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी दैट बिलोंग्स टू रिलायंस इंडस्ट्री इज लोकेटेड इन जामनगर एंड द सेकंड इज SR ऑयल रिफाइनरी। जितना मैं अहमदाबाद से यहाँ आते नहीं थका उतना यहाँ से द्वारका पहुंचते पहुंचते मैं थक रहा हूँ बिकॉज ऑफ दिस रोड। वर्क इज इन प्रोग्रेस। यहाँ पे रोड का काम चल रहा है, सो थोड़ा पेज आपको खराब मिल सकता है, बाकी पूरे रास्ते आपको रोड्स अच्छे ही मिलेंगे। इंजॉय करें व्यूज को और कमेंट करके बताएं हमें कि आपको वीडियो कैसी लगी और हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। For this beautiful road views, credit goes to my wife Rinku. She's doing a really very good job.
सुबह के करीब 10 बज रहे होंगे और हम बस पहुंचने वाले हैं कृष्ण भगवान की नगरी द्वारका। वैसे तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं तो मैं बताना चाहूँगा। द्वार यानी दरवाज़ा इन सिंपल लैंग्वेज। सो अनेक द्वारों की नगरी होने के कारण इसका नाम द्वारका पड़ा। और हम पहुंच गए हैं श्री कृष्ण भगवान की नगरी द्वारका। जय द्वारकाधीश। यह है बड़ा सा प्रवेश द्वार। ये है यहाँ का पार्किंग एरिया। और सामने ही है हमारी होटल। होटल की बालकनी से ये है सामने की ओर खूबसूरत दृश्य। सामने है पवित्र गोमती नदी। चलिए सबसे पहले दर्शन कर लेते हैं। मंदिर में फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, सो हमें यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। जय द्वारकाधीश। मंदिर के दर्शन हो चुके हैं और हम आ गए हैं सुदामा से। सुदामा की कृष्ण भक्ति और श्री कृष्ण सुदामा की दोस्ती का ये प्रतीक सुदामा सेतु द्वारका तीर्थ में पवित्र गोमती नदी के ऊपर बनाया गया है। चलिए सामने की ओर चलते हैं। सेतु के इस पार एक पुराना लक्ष्मी नारायण मंदिर और 5 पांडव कुएं हैं और समुद्र तट यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर है। आप चाहे तो पैदल या कैमल की सवारी भी कर सकते हैं। हमने ले लिया है हमारा कैमल जो हमें समुद्र तट ले जाएगा और वापस यहाँ ले भी आएगा। चलिए एंजॉय करते हैं कैमल राइड और आप भी एंजॉय करें वीडियो को और बने रहिए एंड तक।
और हम पहुंच गए हैं द्वारका बीच। बीच बहुत ही ज़्यादा सुंदर और एकदम क्लीन है। फोटोग्राफी करने के बाद अब हम वापस जा रहे हैं सेतु की ओर। द्वारका सीरीज की सेकंड वीडियो भी जल्द अपलोड करूंगा, जो कि है फेमस ब्लू बीच इन गुजरात, शिवराजपुर बीच। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय द्वारकाधीश।